मां काली पर महुआ मोइत्रा के विवादित बोल को लेकर सड़कों पर बीजेपी, कहा बंगाल में हो रहा है माता का अपमान, महुआ की तुरंत गिरफ्तारी की मांग, देश में कई जगहों पर FIR दर्ज। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा, राज्यसभा का टिकट न मिलने के बाद तय थी विदाई, मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम मोदी ने की नकवी की तारीफ। उदयपुर बर्बरता में सामने आया हैदराबाद कनेक्शन, मुख्य आरोपी रियाज के करीबी मुनव्वर के घर एनआईए का छापा, अमरावती कांड में PF5 पर कसा शिकंजा, एनआईए ने एक और आरोपी वसीम अली को भी किया गिरफ्तार। अजमेर में नुपुर की गर्दन पर इनाम रखने वाला खादिम गिरफ्तार, पुलिस ने सलमान चिश्ती को सीजीएम की आवाज पर किया पेश, जज ने धमकीबाज खादिम को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के सवाल पर झुंझलाए फारूक अब्दुल्ला, पत्रकार के सवाल पर बोले तिरंगा अपने घर में रखना शहजाद का पलटवार, ये गुपकार नहीं बल्कि गद्दार गैंग है। दिलीप घोष के बयान पर भड़के बाबुल सुप्रियो का, ये शख्स समाज के लिए कलंक, बंगाल बीजेपी मांगे माफी, दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उड़ानों के दौरान लगातार गड़बड़ी को लेकर सवालों के घेरे में स्पाइसजेट, DGCA ने थमाया नोटिस, 17 दिनों के अंदर गड़बड़ी की 7 घटनाओं पर मांगा जवाब। DGCA के नोटिस पर स्पाइसजेट का बयान, स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह ने कहा हर एयरलाइन के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं मामूली हैं, स्पाइसजेट दोगुनी सावधानी रखेगा। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की समय सीमा घटा दी है, सरकार ने बूस्टर डोज की समय सीमा 6 महीने की, NTAGI ने 9 से घटाकर 6 महीने की सिफारिश की। कोलकाता पुलिस का निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को एक और नोटिस, कोलकाता पुलिस ने नुपुर को बुलाया 11 जुलाई को, पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी पर पूछताछ के लिए 3रा नोटिस भेजा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, दक्षिण इलाके के किब्बड़ नाले में आई बाढ़, एक पुल गिरा, खेतों में भी भरा पानी, राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों का सरेंडर, कुलगांव में 2 आतंकियों ने किया सरेंडर, सेना और पुलिस के साथ साझा अभियान में सरेंडर किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, गुलाम अहमद मीर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, मीर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। महंगाई की मार के बीच खाना पकाना हुआ महंगा, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा, अब घरेलू गैस सिलेंडर 1056 में मिलेगा, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मामूली कमी। अमरावती हत्याकांड को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, रिपोर्ट में गर्दन के पास गहरे घाव का जिक्र और बाकियों को धमकी को लेकर पुलिस की जांच तेज। दिल्ली में मनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले साल दिल्ली में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली में मनाया जाएगा शॉपिंग फेस्टिवल, ये देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा। देश में कोरोना के 16,159 नए मामले दर्ज किए गए, एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,212 हुई। केरल के मंत्री साजिद चेरिया ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, उन्होंने संविधान को लेकर की थी विवादित टिप्पणी, इसके बाद से उनके इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही थी। ब्रिटेन में 2 मंत्रियों का इस्तीफा, पीएम बोरिस जॉनसन पर भी बढ़ा दबाव, कुल 4 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन की सरकार के लिए संकट खड़ा हो गया। पाक सरकार ने कहा कि प्रतिबंधित TTP के साथ चल रही है बातचीत, हिंसा खत्म करना है मकसद, औपचारिक रूप से वार्ता की प्रक्रिया को मंजूरी। रूसी राजदूत ने कहा कि रूस को अलग थलग करने की कोशिशों का समर्थन नहीं करता भारत, हम यूक्रेन की घटनाओं के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए नई दिल्ली के आभारी हैं। रूस यूक्रेन जंग अपने 5वें महीने में, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही, मंगलवार को स्लोवियास्क शहर में हुई रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल। एनीमिया मुक्त भारत की सोच को साकार करेगा SMS अस्पताल, इंजेक्टेबल आयरन इंजेक्शन पर सबसे बड़ा ट्रायल, 545 महिलाओं को दिया गया इंजेक्टेबल आयरन। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, कन्हैया लाल के दोनों बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के गठन पर लगाई मुहर। ERCP के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, गहलोत डोटासरा और माकन कवार का, केंद्र ने नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया तब भी राज्य सरकार पूरा करेगी प्रोजेक्ट, बीजेपी वाले लोकतंत्र के हत्यारे हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी 8वीं तक के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म का इंतजार, नई यूनिफॉर्म नहीं मिलने से बच्चे पुरानी ड्रेस पहनकर ही स्कूल जा रहे हैं। ब्यावर में जैन मुनि नवीन प्रज्ञा ने अपने साथी 5 संतों के साथ नगर में वर्षावास के लिए मंगल प्रवेश किया, सिटी थाने के CI सुरेंद्र सिंह जोधा की विनती का मान रखकर संत पधारे, CI जोधा ने नमन वंदन कर संत प्रवर से आशीर्वचन लिए।
उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में भाजपा मंडल सीमरवाड़ा ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हथियारों के खिलाफ कार्रवाई कर जल्द फांसी देने की मांग की। करौली में संत गोमतीदास महाराज के गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कलश यात्रा और रामकथा के साथ शुरुआत हुई। कलश यात्रा में मुख्य यजमान रविन्द्र चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। हनुमानगढ़ के बस डिपो में नवजात का मिला भ्रूण। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जंक्शन पुलिस आसपास दुकानदारों से अब पूछताछ में जुटी है। सिरोही नगर परिषद ने अतिक्रमण को लेकर बाजार में कार्रवाई की। एसडीएम रमेश चंद्र भेड़िया ने बीते दिन पूरे शहर में पैदल घूमकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। 5 लोरियों को जब्त कर ट्रैक्टर में भरकर नगर परिषद पहुंचाया। कुछ दुकानों के आगे रखा सामान भी जब्त किया गया। प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान 5 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। व्यापारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की अमल भी लाई गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ शहर में नगर पालिका प्रशासन अब अलर्ट के मोड पर। सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर दुकानदारों को हिदायत दी गई। टीम की कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों के साथ आपसी बहस भी हो गई। जैसलमेर शहर में स्टेट जीएसटी टीम ने कार्रवाई की। बिना बिलों के मोबाइल फोन को बेचते एक सेल्समैन को पकड़ा। सेल्समैन के कब्जे से 15 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। सिरोही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालड़ी एम का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में सफाई करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा में जिला जल और स्वच्छता समिति की बैठक का बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजन। सांसद कनक मल कटारा ने जल जीवन मिशन को जीवन के मिशन के रूप में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन को लेकर हनुमानगढ़ में नगर पालिका परिसर के टाउन हॉल में समीक्षा बैठक हुई। सांसद राहुल कस्वा ने जनसुनवाई की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में 9 जुलाई को पहली बार निकाली जाएगी जगन्नाथ यात्रा। श्रद्धालुओं को रथ खींचने का मिलेगा मौका। रथ यात्रा की शुरुआत पांडु विजय उत्सव से की जाएगी। सवाईमाधोपुर के बौली में सड़क हादसे में नशे में धुत 2 युवक हुए घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जोधपुर में कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या ना हो, इसे लेकर लूणी के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई प्रयासरत हैं। क्षेत्र के बालाजी मंदिर पार्क में एक और ट्यूबवेल लगवाई गई है। जनता के पूजा अर्चना कर ट्यूबवेल शुरू कर दी गई है। आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोक अदालत को लेकर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। रियाबड़ी के राकेश ने जेईटी परीक्षा में ऑल राजस्थान 41वीं रैंक प्राप्त कर शाला का नाम किया रोशन। इस अवसर पर संस्था प्रधान ने राकेश को माला पहनाकर स्वागत किया। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए निकाला पैदल मार्च, जिसमें क्विक रेस्पॉन्स टीम भी हुई शामिल। अलवर के राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ के विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव के तहत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हुआ। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग। नागरिकों ने सुभाष चौक पर मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला। मार्च के बाद उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डीडवाना के आजवा में मनरेगा कार्य जांच में सामने आई गड़बड़। कार्यवाहक विकास अधिकारी गोपाल राम ने किया निरीक्षण। राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के जन्मदिन पर महाविद्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में जिला कलेक्टर कमर चौधरी पहुंचे ठिकरिया। ठिकरिया आईटी केंद्र पर चल रहे मिशन आर्य का किया निरीक्षण। बच्चों के अभिभावकों से भी हुए रूबरू।
डूंगरपुर के सागवाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण को लेकर बैठक हुई। कार्यवाह कलेक्टर ने दिए निर्देश, पट्टा वितरण में प्रदेश में पहले स्थान पर आने के लिए प्रयास। डोर टू डोर सर्वे कर शहरवासियों को जारी किए पट्टे। दरअसल नागौर के मेड़ता सिटी में दृगत मल भैरुनाथ महाराज मंदिर के जीर्ण द्वार के बाद 8 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग रेड कार्पेट पर चलकर पुष्प वर्षा के साथ भव्य शोभा यात्रा का स्वागत करते नजर आए। झुंझुनू के गोवला में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के कमरे में फंदे से झूलता मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया। सवाईमाधोपुर के बोली में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। सामाजिक संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने दुकानें रखी बंद। एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नवलगढ़ में मेरा पौधा हमारा भविष्य अभियान के तहत बच्चों को बांटे जाएंगे पौधे। वहीं सभी के सहयोग से 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम 8 जुलाई से परसरामपुरा से शुरू किया जाएगा। झालावाड़ में प्लेसमेंट कर्मी 2 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में धरने पर बैठे। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ वेतन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इस वजह से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी भारी प्रभाव पड़ा। पाली में उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। सूरजपुर चौराहे पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते नजर आए। प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सिरोही के घांचीवाड़ा में बड़ा नीम का पेड़ जड़ से हुआ धराशायी। पेड़ के नीचे दबी 3 कार, 1 मकान की दीवार भी हुई क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई व्यक्ति घर के बाहर खड़ा नहीं था। जैसलमेर के नाचना में बम मिलने से फैली सनसनी। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजसमंद में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले को लेकर पुलिस ने किया 28 आरोपियों को गिरफ्तार। भीड़ को उकसाने वाले सभी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने की जनसुनवाई का आयोजन। जनसुनवाई के दौरान प्रदेश और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में अलवर के किशनगढ़ बास के बाजार बंद रहे। व्यापारिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक रामहित यादव, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने किशनगढ़ बास पहुंचकर बंद को समर्थन दिया। सलमान खान हिरन शिकार मामले में सलमान खान के अधिवक्ता आसिम अंसारी सहित परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी है। आसिम अंसारी सहित मामले में महामंदिर थाने में शिकायत दी है। आसिम अंसारी सहित ने यह जानकारी दी कि पिछले 1.5 महीने से विदेश यात्रा पर थे। वापिस लौटने पर जूनियर अधिवक्ता ने उन्हें बताया कि उनके जुबली चैंबर के बाहर पत्र मिला है। पत्र में लिखा गया है कि सलमान का दोस्त हमारा दुश्मन है, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हाल भी मूसे वाला जैसा होगा। सिरोही के आबू रोड में बारिश और अंधड़ का दौर चला। अंधड़ के कारण रेलवे कॉलोनी तरपोली तिराई के पास रेलवे ग्राउंड के पास कई जगहों पर पेड़ की टहनियां टूटकर गिर गई। अंधड़ के कारण पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए। बिजली आपूर्ति पूरे तरीके से ठप हो गई। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद गौस और वसीम अतारी के मोबाइल से एनआईए को दोनों के हैदराबाद जाने की तस्वीरें मिली। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साल 2017 और 2018 में हैदराबाद गए थे। देशभर में दावत इस्लामिया से जोड़ने का काम किया जा रहा था। रियाज अतारी ने एसके इंजीनियरिंग के मालिक शोएब को फोन किए थे। शोएब बार बार उठकर व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहा था, तब रियाज ने शोएब को फोन भी किए थे। फिलहाल एनआईए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अग्निपथ स्कीम को लेकर मंत्री रामलाल जाट के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते कहा कि रामलाल जी पर तरस आ रहा है, सरकार के मंत्री है रामलाल जाट, नौजवानों को राष्ट्र रक्षा राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेरित करेगी अग्निपथ योजना। अलवर में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर स्थित एक दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना डाला। दुकान मालिक ने बताया कि वह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह जब दुकान पर आया तो नीचे के बेसमेंट का ताला टूटा हुआ मिला। बता दें कि चोर बेसमेंट से ऊपर दुकान में घुसे, गल्ले को तोड़कर उसमें रखे करीब 15 से 20 हजार रुपए की नकदी ले गए। गल्ले में रखे खाली चेक को फाड़कर कुछ दूरी पर फेंक दिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बेंगू क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में बने शहीद रूपाजी और करपाजी के पैनोरमा का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बेंगू में जोलिया में हुए किसान आंदोलन की गाथाओं को प्रदर्शित करती कलाकृतियों का भी अवलोकन किया। जयपुर के चोमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दोपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक्स बरामद की। हनुमानगढ़ के भिरानी थाना क्षेत्र में छानी बड़ी उप तहसील मुख्यालय पर ई मित्र की दुकान पर लूट का मामला सामने आया। शिवाई मित्र पर देर रात कार सवार 4 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश पहुंचे, 10 हजार रुपए लूट कर फरार हो गए।
जोधपुर के चपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी एडमिशन के लिए पहुंचे। पिछले साल 1613 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, तो इस बार भी छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। श्री गंगानगर के रायसी नगर में ततारसर के राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल को 12वीं तक की क्रमोन्नत करने की मांग की। क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी विद्यालय पर तालाबंदी के साथ छात्रों ग्रामीणों का धरना जारी रहा। बाड़मेर के महावीर पार्क में एक युवती पिछले 10 दिन से न्याय के लिए भटकती हुई थककर रोने लग गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को न्याय का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के पुणे निवासी युवती को बाड़मेर के धौरीमना थाना क्षेत्र के भुनिया निवासी एक युवक ने शादी का झांसा दिया था। धौलपुर के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर कुहावनी गांव के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार जीजा साले को सड़क पर खड़े सार ने बाइक समेत दोनों को उठाकर पटक दिया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भाजपा नगर मंडल रावसर के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद 100 से 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में धौलपुर का बाड़ी कस्बा पूरी तरीके से रहा बंद। बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया, व्यापारी वर्ग ने भी दिया समर्थन। करौली के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुरा कुंडार गांव में अधीर शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। उसका बेटा करंट से झुलस गया। करौली अस्पताल में फिलहाल उसे भर्ती करवाया गया है। अलवर के वोर्ड 58 के स्थानीय निवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दाऊदर फाटक एरोड्रम रोड पर ही जाम लगा दिया गया। समझाइश कर जाम खुलवाने के प्रयास भी किए गए। जोधपुर में सामाजिक संगठन सत्य में जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराना ने विषय चयन को लेकर छात्रों को टिप्स दिए। प्रतापगढ़ के धमोतर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। खेत पर काम करते समय हादसा हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पाली उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर आक्रोश। लोगों ने इकट्ठा होकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। सर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर की धर्मशाला में 70 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में पारिवारिक कारणों का बताया गया है वजह। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया। देसोरी के पाली में चातुर्मास को लेकर महाश्रवण विनय मुनि समेत संतों ने किया प्रवेश। साथ ही जैन समाज में निकाली गई भव्य शोभायात्रा। विदासर के ढडेरू गोदारन में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों और एक किशोर की मौत हो गई। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। धौलपुर में संचालित मिलिट्री स्कूल के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाई जा रही है। प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण पीपी ने कार्यकर्ताओं को लेकर जानकारी दी। तमाम कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी गई। 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के साथ ही कार्यक्रमों के आयोजन से शुरुआत की जाएगी। ब्यावर में बीजेपी युवा मोर्चा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित कर याद किया। ब्यावर में अग्रवाल समाज की ओर से 26 सितंबर से अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया गया। जयंती महोत्सव के सफल आयोजन की कामना को लेकर समिति पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना की। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में 3 व्यक्तियों पर आकाशीय बिजली गिर गई। 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झुंझुनू के मुकुटगंज के पास गोड़ीवारा हाईवे पर कार और पिकअप में भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार चालक और पिकअप चालक को मामूली चोटें आई हैं। झुंझुनू के मुकुटगंज में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की। कपड़े सिलाई मशीन सहित बाकी कीमती सामान चोरी कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि चोरी स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बूंदी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण की समीक्षा के लिए कार्यशाला हुई। नगर परिषद की पैरापेरी में आने वाले सभी आमजन को पट्टे बांधने के निर्देश दिए गए। दौसा के सिकराय में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भागवत कथा का शुभारंभ। स्वामी सरस्वती महाराज के सानिध्य में निकाली गई कलश यात्रा। जयपुर के सांगानेर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश शर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में चोरों ने दान पात्र से निकाली नकदी। सोशल साइट पर सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। पुलिस नहीं कर रही है कोई पुष्टि। सीकर में किसानों ने बताया कि फसल की बुआई से पहले ही इंश्योरेंस कंपनियां खातों से पैसे काट रही है, जबकि अब तक किसानों ने अपने खेतों में फसल की बुआई भी नहीं की है। अजमेर के ब्यावर में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर तैयारियां तेज। इसे लेकर उपखंड अधिकारी राहुल जैन के अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया। कोटा के टावा में डुंगरली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति अपने खेत पर काम कर रहा था, इस दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से इमराज की मौत हो गई। बारिश के दौरान आने वाली आपदा और बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने कोटा के किशोर सागर तालाब में तैयारियों को परखा। एनडीआरएफ के साथ सिविल डिफेंस, राजस्थान पुलिस, नगर निगम और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहेंगी।